किसने बुलाया साथ यहाँ पे? मैं इतना प्यारा तैयार हुई, इसे मैंने पूछा मैं कैसी लगी, मुझे बोला क्या कहते हैं, बहुत बुरी। मैं जब तैयार होती थी ना तो अंकल अगर उनको मैं प्यारी लगती थी तो वो मेरी तारीफ नहीं करते थे, मुझे कहते थे आज तुम बिल्कुल बांदरी लग रही, तो मुझे पता चल जाता था कि वो तारीफ कर रहे हैं। तो मेरा भी यही है, रूप बहुत बांदरी लग रही हो आज। ये लो आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये मेरी बहन और मेरे भाई का हो गया। बहन चले ये लें, कोड ले लें, कोई मसला नहीं, छोड़ दिया। लेकिन इस वक्त जितना रश लगा हुआ है ना, मुझे नहीं लगता कि कंट्रोल हो पाएगा। ओ भाई साहब, अल्लाह की कसम, बहुत बंदा है। पुलिस के चार डाले आए अंदर और मुझे साथ ही के जा रहे थे, मुझे कहते कि आपके हस्बैंड कहाँ पे है, उनको हेडक्वार्टर भेजे। हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। और यार तुम लोगों को कल वाले व्लॉग से तो पता है कि रूप नाराज हो गए चले गए यार। अभी मेरी उससे कॉल में बात हुई है, वो बस कह रही कि यार तुम जो है ईद के दिन भी कभी बाहर फिर रहे हो, कभी जुकते लगा रहे हो, कोई ना मुझे तुम टाइम दे रहे हो, ना मुझे कोई ईद वाली फीलिंग आ रही है। मैं भाई खुल के बोलो ईद ही चाहिए, वो कह रही ईदी वीदी कोई नहीं चाहिए, कम अज कम टाइम गुजार लो मेरे साथ। उस समय मैं गया रहा हूं ना बाबे के साथ बाहर ईदी निकालने, तो फिर हम अपना शुगर भी लगाने चले गए हैं थोड़ा सा, वो माइंड कर गई है थोड़ा सा। तो वेलकम बैक हो गए तुम सब कहना था व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने डकी भाई व्लॉग एंजॉय नहीं किया हो तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, वरना कपड़े शपड़े चेंज कर लेते, मैं तो कहता हूँ यही कपड़े पहन लेते हैं, उसको हमें मनाना पड़ेगा, उसके अम्मी अब्बू हमारे ससुराल से भी ईदी मिलते हैं, देखते हैं भाई। और यार जिन्होंने कल वाला व्लॉग देखा था उनको पता होगा कि यार हम लोगों ने मामा को जो है 5 लाख रुपया ईदी दी थी और उन्होंने वो ईदी लेने से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं कि यार ये जो ईदी है ये आप दे दो अपनी डक्की भाई आर्मी को। तो हम लोगों ने जो है सारा का सारा कैश, ये 5 लाख रुपए है, हमने रख दिया गाड़ी में। कुछ नोट को जो है मैंने 1000 में भी स्प्लिट कर लिया है, कुछ 500 के हैं, कुछ 5000 वाले हैं, कुछ मतलब ये सब मिक्स ही है सारा। असल में इस तरह से जो है ना क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है और फिर ज्यादा लोगों को जो है ना ईदी मिल सकती है भाई। ये पूरा पड़ा हुआ है, पूरा 5 लाख पूरा पड़ा हुआ है। तो ये रास्ते में अगर मैं आपको बाहर मिलता हूँ, घर के अंदर नहीं बाहर अगर मैं आपको मिलता हूँ तो आपको ईदी मिलेगी। 4 लाख रुपया ये है और 1 लाख की वो दत्ती है, वो मैंने क्वांटिटी ज्यादा करने के लिए करवा लिए थे, बाकी ये हैं भाई। इनकी भी जो है आधों की मैं क्वांटिटी ज्यादा कर दूंगा, यानी कि 2 लाख के मैं 1000-1000 वाले निकालूंगा, बाकी 5-5000 वाले हो गए, जिसकी जो किस्मत में हुआ उसको मिल जाएगा भाई। तो अभी अब जल्दी रूप की तरफ, फिर मिलते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितने का है ये? 300 का। 300, ये लो बाकी आप रख ले, मुझे जल्दी से दे दो। मेरी हो गई है बेगम नाराज, उसको मैंने मनाना है, मैं अभी भी रास्ते में नजर आए हो, ये काम आएगा मेरे। तो भाई ये भी मैंने रख लिया, ठीक है काम आएगा। A few moments later. ईद मुबारक। ईद तो मिली नहीं रूप तुम्हें, तुम्हें किसने बुलाया साथ यहाँ पे? रूप कैसी हो, ठीक हो? मैं तुमसे मिलने थोड़ी आया हूँ, मैं तो मिलने आया हूँ अपने दूसरे पेरेंट्स से जिन्होंने मुझे इतनी प्यारी सी बेटी मुझे दे दी यार। अरे ये देखो क्या लेके आया मैं तुम्हारे लिए, एक तुम्हारा एक मेरा। तुम तो मेरे से बात नहीं करती ना, तुम मुझसे ईद मिली ना तुमने मुझे कोई ईदी दी। ईद वाले दिन गायब कौन हुआ? साथ। ईद वाले दिन मुझे पूरा दिन वेट किसने कराया? साथ। ईद वाले दिन मेरी बदतारीफी किसने की और मुझे किसने कहा कि मैंने जब पूछा कि अच्छी लग रही हो तो तुमने कहा बहुत बुरी लग रही हो? साथ। हर चीज तुमने की, ठीक है? अरे कोई बात नहीं यार, तुमने माइंड किया कि यार मैंने तुम्हारी उस तरह से तारीफ कर दी, मैं तुम्हारी दोबारा तारीफ कर देता हूँ, बहुत बुरी लग रही हो भाई। और ईद वाले दिन तुम दोस्तों के साथ बाहर भी चले गए? अरे वो दोस्तों के साथ बाहर वाला बात नहीं ना, वो बाबे आया हुआ था, वो जाहिर है एटीएम से, देख रहे मैं तुम्हारे लिए ईदी भी लेके आया हूँ भाई। तुम मैं तुम्हें प्रूफ दिखाने आया हूँ कि मैं वाकई एटीएम गया था भाई, बड़े जाहिर है बाबे ने भी ईदी मिल ली ही, तो वो भी आया था सुबह सुबह आ गया था, तो लेकिन वो जल्दी फारिग हो गया था यार। बाबे है मैं बाबे। चलो कोई नहीं, जो ईदी मैंने निकलवाई वो मैं रख लेता हूँ फिर। रख लो, मुझे ईदी के लिए तुम्हें बुलाया भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। मुबारक मुबारक, कैसी है छोटी? ये देख लो नया मेहमान, ये तो मुझे देखते ही रोना शुरू कर दिया इसने, मुंह बना लिया मुझे देखते ही। आंटी इसने बेवजह मुंह बना लिया ईद के दिन, कितनी गलत बात है। आंटी मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने दोस्त के साथ गया है, इसने जो है 5 दिन मेरे से नाराज होने का फैसला कर लिया। मैंने तैयार हुई, मैंने नाम SAAD मैंने साथ लिखवाया, मैंने अपनी एंगेजमेंट रिंग पेंडिंग, मैंने सारी चीजें की इसके लिए कि ये देखेगा नोटिस करेगा। एक चीज नोटिस नहीं की सर, नोटिस करना दूर की बात है, मैंने समझा सामने कैसे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, कैसे आप? ठीक है अंकल, ये ऐसी बेवजह मेरे से नाराज होगी, इसको समझाएं कि बच्चों वाली बातों पे नाराज नहीं होते। 2 घंटे लगा के तैयार हुई, मैंने फाउंडेशन लगाई अपने फेस में, इतना प्यारा तैयार हुई, इसे मैंने पूछा मैं कैसी लगी, मुझे आगे से बोला क्या कहते हैं, बहुत बुरी। अंकल इसको बताएं लड़के ऐसी शुगर लगा रहे होते हैं, छोटा मोटा शुगर मेला चलता रहता है, ये कोई माइंड करने वाली बात है? आपकी बेटी ने सही बोला है, बताओ भाई ये माइंड करने वाली बात है, लड़के लगाते हैं ना शुगर इस तरह का, ऐसे ही चलता है और ये बिल्कुल माइंड जब चलता ही ऐसे। हाँ मैं जब तैयार होती थी ना तो अंकल अगर उनको मैं प्यारी लगती थी तो वो मेरी तारीफ नहीं करते थे, मुझे कहते थे आज तुम बिल्कुल बांदरी लग रही, तो मुझे पता चल जाता था कि वो
तारीफ कर रहे हैं, तो मेरा भी यही है। अरू बहुत बांदरी लग रही हो आज। ये साथ की थी ओए, और ये जरा ध्यान से खोला, पैसे इसमें बहुत ज्यादा है। कुछ चीजा लिया होगा उसने, मुझे पता है। 10 करोड़ भाई, क्या बात है भाई, ईद मुबारक। ओए होए, कायद आजम भी बनाओ भाई साहब। मेरे पास लिमिटेड एडिशन 10 करोड़ का नोट आ गया, रियली दी आ गई। अब क्या पता इसके अंदर 20 करोड़ हो। ओए इसमें भी कुछ नहीं है, खाली है ये तो। तुम प्रैंक हो गए। मेरे में तो है। क्यों? अच्छा मेरे में भी है, ये नोट छोटा था असल में। तो भैया मैं रूप के भाई से भी मिल गई है 5,000 रुपया। चलो अब तो मिल गई ना ईदी, खुश हो जाओ। अब तुम्हारे से तो नहीं मिली ना, अभी भाई से मिली अपने। A few moments later. हाँ जी। ओ यार मुंह तो सेट कर लो ताकि मैं तुम्हें सेट मुंह पे ईदी दूं। ऐसे उजड़े हुए मुंह पे मैंने ईदी नहीं देनी भाई, सेट मुंह पे बंदा ईदी दे। मुंह बनाया हुआ तुमने। तो यार रूप जो एनर्जी वाली नाराज हुई है, उसको जो है हम देते हैं इसकी ईदी। और ये कितना है वाला? तो तुम लोगों में से एक बंदे ने कमेंट किया था 5 लाख ईदी मिलनी चाहिए, और उसके कमेंट में 50,000 लाइक था भाई। वो वाला कमेंट डिलीट कर दिया जिसके ऊपर 10 लाख ईदी लिखी हुई थी। अरूप ऐसी कोई ड्रामेबाजी नहीं लगाई मैंने, झूठ ना बोलो। एज प्रॉमिस्ड, ये 5 लाख ईदी तुम्हारी हुई। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्यों? मैं मजाक कर रही थी, आई वॉज जस्ट जोकिंग। मुझे इसमें से थोड़ी से दे दो बस। अरूप आई प्रॉमिस तुम्हें दे दी, मुझे चाहिए नहीं। अरूब टाइम लगा, तुम्हें पता है एटीएम से थोड़े थोड़े करके पैसे निकलते हैं। 8 घंटा तो मेरा वहां आया हो गया। इतने में हाला भी नहीं है। थोड़े से तो रख लो, ये दो नोट और रख लो, ये लो। नहीं नहीं बस ये लो, मेरे पास जमा हो गई है बहुत सारी, मुझे मामा मामा ने सबने दिए। तुम ऑलरेडी इतना कुछ करते हो सार, मुझे नहीं चाहिए वाकई में। अभी ये तुमने मुझे ऊंची बैग 15 लाख का लेके दिया, वो मुझे वो हजम करने दो पहले, मुझे 5 लाख नहीं चाहिए। लेकिन मैंने लोगों से प्रॉमिस किया है ना कि यार जो जिसका सबसे ज्यादा कमेंट होगा उतनी ईदी तुम्हारी बनती है। तुमने मुझे ऑफर कर दी है, तुम्हारी ईदी कबूल भी हो गई है और मैं खुश भी हो गई हूँ। भाई अरूप जैसी बीवी अल्लाह किसी को ना दे यार। वो क्यों? क्योंकि भाई हर बंदा मेरे जैसा लकी हो जाएगा यार। हाय हाय। तब हम लोग जो है बच्चों को देने लगे हैं ईदी, और हमारे एक हाथ में है पूरा का पूरा एक नोट 5,000 का, और हमारे दूसरे हाथ में चमकते चमकते कोई मेरे कोई 600 रुपए पड़े हुए हैं भाई। पहला बच्चा आ जाए। यही है पहला बच्चा? पहला बच्चा जी। कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए? दोनों पे हमला हो गया भाई। भाई दोनों पे हमला, तुम तो बड़ी तेज निकले यार, तुम तो नहीं ऐसे करोगी। उसको पता लग गया है कि कंडा क्या है। चलो जी एनु की बारी, एनु काम। इन दोनों में से कौन सा लोगी? कौन सा यार? ये भी ये इसको इनको पहले से इनको खबर दी गई थी कि आपको वो ऑफर देंगे तो आपने दोनों पकड़ लेंगे। तो बच्चे तो बड़े हो गए हैं, ठीक है, अब उनके साथ कोई गेमे शेमे नहीं चलेंगी, उनको उनकी अपनी असली दी तो दो ना यार। कितने पकड़ ये तो अभी इतनी छोटी है, उसको ना समझ आनी है कि उसके साथ हुआ क्या है ना, इसके साथ कोई गेमे चल सकती है। और ये मेरे प्यारे मैं तो तुम्हारे माँ बाबा के लिए भी ईदी लेके आया था। है तो जाओ दो, मुझे शर्म आ रही है थोड़ी सी। कितने फटू हो, उनके सामने मुझे बंदरिया बोलते हो, शर्म नहीं आई? तुम जाओ दे, मैं दे देती हूँ। एक ये ईदी आपके लिए है, और ये ईदी आपके लिए। हमारे लिए क्यों? हमारी भी ईदी है। बुरी बात, बड़े बच्चों को देखते हैं बच्चे। मम्मा अब हम बड़े हो गए हैं, कमाने वाले बच्चे हैं आपके, चलें ले लें। प्लीज ले ले यार, मम्मा बाबा इनको समझाए। ले लो फिर, ले लो चले, मैं देता हूँ। मैं लेके दोबारा दे देता हूँ। चलो आंटी ने इतनी मुझे प्यारी सी बेटी जो है वो मुझे दे दी, तो मैं छोटी सी नहीं दे सकते। हाँ ये बात ना, इसका कैसे कर सकते। तो यार रात जो है ना बहुत हो गई है, तो हमारा जो है ना यहीं पे स्टे करने का प्लान है। अब हम सुबह ही निकलेंगे, वैसे भी मैं सुबह का मैं जाग रहा हूँ, ईद की नमाज के बाद आके मैं सिर्फ घंटा सोया हूँ, तो आंखें जो है ना मेरी दुख रही है, ड्राइव नहीं होगी मेरे से, कल ही निकलेंगे अब हम घर। Next day. सिक्योरिटी गार्ड की कॉल आई है, वो कह रहा है कि चेक पोस्ट पे जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो कहता है कि 200 बंदा बाहर खड़ा हुआ है जिसको उन्होंने रोका हुआ है, और सिचुएशन इतनी बुरी है, कहें आके हैंडल करें अपनी सिचुएशन। पता मुझे कल फील आ रही थी वैसे। तो अब क्या करें? अब कुछ भी नहीं, वो सिक्योरिटी वाला बुला रहे तो हमें जाना पड़ेगा। अभी जाके देख लेते हैं क्या सीन है। आ जाओ, नाश्ता कर लेंगे बाद में। One hour later. यार घंटे से आपका सुबह 10 बजे से खड़े। मैंने तो कल वीडियो में कहा था मैं कैश लेके बाहर निकलाऊंगा, आप लोग घर के आगे खड़े हो, मुझे तो अभी गार्ड ने कॉल किया, मैंने कहा चलो मैं आता हूँ। गार्ड ने ही मुझे कॉल किया तो मैं आया हूँ। 1, 2, 3, 4 ये हो गए, बल्कि 5 है वहाँ पे। ये लो भाई आप ही ले लो यार। अब यहाँ पे कितना है, 1, 2,
3, 4, 5, 6 ये लो आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये मेरी बहन और मेरे भाई का हो गया। बहन चले ये लें कोड ले लें, कोई मसला नहीं। मैं सिर्फ 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर आ रहा हूँ, 5 मिनट। भाई एक बहुत अजीब सा मसला हुआ है। मैंने अपने व्लॉग में ये डिस्कस किया था कि मेरे घर पे आपको कुछ नहीं मिलना, बाहर ही मिलेगा। बाहर तो मैंने बहुत सारे पैसे बांट दिए हैं। अब घर मेरा भाई इस वक्त कोई 200 बंदा आया हुआ है। अरूप को भी जो है मैंने पीछे कर दिया है कि यार वो पीछे बैठ जाए स्कूल से, क्योंकि वो लोग जो है ना फिर वो यहाँ से मुझे ईदी पकड़ानी पड़ती है। अभी मैं अरूप को ड्रॉप करना है, फिर मेरे गेट पे जाना है। बहुत ज्यादा लोग आ गए, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। अगर मैंने कहा था कि वो पैसे मैंने गाड़ी में रखे होंगे और मैं रास्ते में जो मुझे मिला उसको मैं दूंगा, तो वो आपने अब घर आके अब मुझे जितने फाइन आने हैं ना सिक्योरिटी की तरफ से, मैं ऐसी कंप्लेन नहीं कर रहा, शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता है कि मुझे जो फाइन आना है सोसाइटी की तरफ से, सिक्योरिटी की तरफ से, वो मुझे पता है, वो ये इस ईदी से ज्यादा है, जेन्युइन बता रहा हूँ। तो लेकिन कोई बात नहीं, चलो तुम जाओ फटाफट। तो रूप को जो हम लोगों ने घर छोड़ दिया, लेकिन इस वक्त जितना रश लगा हुआ है ना, मुझे नहीं लगता कि कंट्रोल हो पाएगा। ओ भाई साहब, अल्लाह की कसम बहुत बंदा है, देखी जाएगी। आराम से एक मिनट भाई जान, सिचुएशन बहुत खराब है। सबसे पहले अभी मिलते हैं। कल मैंने वीडियो में कहा था कि मैंने जो ईदी है वो रखी है गाड़ी में, और ईद के जो अगले 2 दिन मैं बाहर ही रहूंगा, बाहर मुझे जो मिला उसको हम ईदी बांटेंगे। अभी मुझे सिक्योरिटी वाले भाई ने मुझे कॉल करके उन्होंने कहा कि यहाँ पे इश्यू हुआ है, तो आप आ जाए, सिर्फ मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। लेकिन अगर हम लोग शुरू करेंगे बच्चों से और जो जरूरतमंद है उनसे, डन हो गया। सारों से फोटो लेके जाएंगे, सारों से व्लॉग बनाएंगे, लेकिन अगर ऐसे होगा तो फिर वो जुर्माना हो जाएगा और वो निकाल देंगे। अब हम आ जाते हैं, बच्चों को अलग कर दें, बड़े उधर हो जाए, बच्चे उधर हो जाए, बच्चे भाई बच्चे ज्यादा व्लॉगर बने हुए हैं। अब एक करके हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे ठीक है, फोटो सारों से लेंगे, मिलके सारों से जाएंगे। अब यही हो सकता है, एक बच्चा यहाँ पे आ जाए, बस मैं भाई रखता जाऊंगा जिसके हाथ में आ गई। ये मैंने पीछे फेंक दिए, वो देख किधर से आ गया, चलो निकलो। मैं दे रहा हूँ खत्म। इस तरह नहीं, ये लो आप, भाई अभी फिलहाल के लिए जो है ना मुझे निकलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होगी सिचुएशन। यार देखो इस तरह से काम नहीं होगा यार, मैं लिटरली देना चाह रहा हूँ यार, मेरी तरह से 5 लाख से ऊपर भी हो जाए मैं फिर भी देना चाह रहा हूँ, मैं दोबारा निकलवा लूंगा एटीएम से, मुझे कोई इश्यू नहीं है यार, लेकिन इस तरह से काम नहीं होगा। आई नो की ऐसी कोई गलत इंटेंशन तो नहीं है किसी की, लेकिन भाई साहब डक्की भाई आर्मी भाई तुम लोग बहुत स्ट्रांग हो भाई, बहुत दूर दूर से भी लोग आए हुए थे, लेकिन यार कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है यार, और वो पॉसिबल नहीं है। मुझे पता है तुम लोग प्यार करते हो, मुझे पता है तुम लोग मिलने आए हो, फोटो चाहिए, वीडियो चाहिए, सब हाजिर है, लेकिन बहुत ज्यादा रश हो जाए ना तो फिर मुश्किल हो जाता है। अभी भी मुझे सिक्योरिटी वाले ने 100 बार उसने कहा कि जुर्माना करा। अब वो मुझे गड़ जाके पता लगेगा कि कहां से कौन से लेटर आते हैं। मैंने व्लॉग के अंदर कहा था कि मैं 2 दिन बाहर रहूंगा और आप लोगों को बाहर मिलेगी ईदी बाहर। अब वो आप लोगों मेरे गेट में उन्होंने हमसे घर से बाहर निकाल देना यार, देखो आप लोग भाई हो यार मेरे, लेकिन कुछ ना कुछ होगा गलती, इतना मुझे फीलिंग आ रही है। अब ईदी वाले मामले में तो कोई कॉपरेट नहीं करेगा, पहले मैंने ना दी है कोई 5-6 लोग आगे, 6-7 लोग आगे, तो स्कूल से भी तुम लोगों ने क्लिप देखी होगी, स्कूल से हर बंदे ने अपनी अपनी ईदी पकड़ी चले गए। जब इस तरह से रश लगा हुआ था ना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं यार सबसे वादा करके आया हूँ कि मैं फोटो भी बनाऊंगा, सारों के साथ व्लॉग भी बनाऊंगा, तो मैं वैसे चले जाता हूँ, लेकिन ईदी वाला सिस्टम अभी नहीं हो सकता। मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी भी कैश पड़ा हुआ है, लेकिन इस वक्त जो वहाँ पे रश है, इस वक्त जो वहाँ पे क्राउड है, वो इस वक्त पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं जा रहा हूँ फिर भी। फोटो शोटो भाई से लेके आते हैं, दूर से भी लोग आए हैं, व्लॉग शॉग बना के आते हैं। A few moments later. अच्छा मेरी बात सुनो, पहले तो किसी का मूड ही नहीं था लेने का, मैं बच्चे अलग कर रहा हूँ, बड़े अलग कर रहा हूँ, सुनो बच्चे अलग कर रहा हूँ, वो कोई मान ही नहीं रहा वो बात, ठीक है। इसके बाद जो बचा गुचा था मैंने कहा 5-5 हज़ार के पड़े हैं, उसको मैं हज़ार रुपए कर लेता हूँ ताकि ज्यादा लोगों तक पहुँच सके, वो भी किसी का मूड नहीं था लेने का। तू भी आप ही आवाम ही में थे, मैं तो वादा करके आया हूँ, मैंने कहा ईदी मैं सिर्फ उसको दूंगा जो मुझे रास्ते में मिले। सबसे पहले वो बाहर वाले गार्डन ने अंदर आने दिया मेरी जान के टुकड़े। मैंने आपको ये बोला था कि अच्छा। मैं घर से बाहर हूँ ईद के 2 दिन, आपको पता मैंने घर नहीं था आना, मुझे आपके जो सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने कॉल की है कि कुछ 250 बंदा बाहर आया हुआ है। मैंने जब व्लॉग में बोला था कि मैंने कहा घर से थोड़ी ईद नहीं आनी है आपने, मैं तो खुद बच्चों को साइड पे खड़ा हूँ, ऊपर ऊपर चली जा रही। चलो कोई नहीं, आपकी ईदी हो जाती है, चलो ये आप सारे ईदी मिले।
वैसे ईद मिल लेते हैं नेक्स्ट टाइम से। तो यार लड़कों के साथ सेल्फी वगैरह व्लॉग वगैरह तो हो गया, बहुत सारे लोग बहुत दूर से आए हुए थे, उन्होंने व्लॉग व्लॉग बनाना था वो तो हो गया, लेकिन ईदी वाला काम है तुम लोगों को दोबारा से बता रहा हूँ। मैंने कल वाले व्लॉग के अंदर बोला था कि मैं घर से बाहर हूंगा, अभी देखो तुम लोगों के सामने मुझे, मैं जब ससुराल की तरफ था मुझे सिक्योरिटी वालों की कॉल आई है, मुझे पता है कि अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो मैं संभाल लूंगा, वो कोई मसला नहीं, आप लोग भाई हो ईजी हो जाए, वो मैं संभाल लूंगा, वो मैं ले लूंगा उसकी हेडेक, कोई मसला नहीं। हाँ कहाँ गए थे? वो दूर से वो लड़के लुड़के आए थे, मैं फोटो शोटो व्लॉग व्लॉग कह रहे थे बनाने, मैं को उनको तुम्हें पता है क्या हुआ अभी? क्या हुआ? पुलिस के चार डाले आए अंदर और मुझे साथ लेके जा रहे थे, मुझे कहते कि अब आपके हस्बैंड कहाँ पे हैं, उनको हेडक्वार्टर भेजे। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मेरे हस्बैंड आएंगे, आप उनसे बात करना। तो घर में और कोई भी नहीं है? नहीं, मम्मा लोगों की दावत थी वो गए हुए हैं, घर पे कोई भी नहीं है, मैं इतनी परेशान हूँ। नानो थी सिर्फ, नानो भी सोई हुई है, उनको सुलाया भी। भाई अल्लाह यार, मेरे ख्याल से सिचुएशन थोड़ी जो है ना आगे पीछे हो गई है। तो यार मेरी बहनें, मेरे भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं, डक्की भाई आर्मी, मेरी बात सुन लो, एक छोटी सी बात, आप लोगों की अमानत है मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने अगर अपने व्लॉग में वादा किया है कि दीदी मैंने बांटनी है तो बांटनी है, वो आप बेफिक्र हो जाओ, लेकिन तरीका हमें चेंज करना पड़ेगा। मैं दो रिस्ट्रिक्शन रख रहा हूँ, माइंड नहीं करना आप लोगों ने, आप लोग मेरे भाई हो, लव यू है, लेकिन मेरी सोसाइटी के अंदर मैं नहीं दे रहा किसी को भी, ये मैं एक रूल रख रहा हूँ इसका, और ये मुझे करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने भी देख लिया है कि एक जगह पे अगर 100 बंदा इकट्ठा हो जाए वो एक बंदे को भी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वो सिचुएशन उस तरह की हो जाती है, वो हर बंदा खींच रहा होता है। आप मिलते हो मुझे, आप आओ फोटो शोटो लो, व्लॉग बनाओ, लेकिन ईदी आपको मेरी सोसाइटी से बाहर अगर आप मुझे पकड़ते हो तब आपको मिलेगी, इस तरह किसी को भी नहीं पहुंच सकती। अभी मुझे नहीं पता क्या सिक्योरिटी का इशू होता है, वो मैं तुम लोगों को साथ साथ अपडेट देता रहूंगा, इंस्टाग्राम स्टोरी से भी कुछ ना कुछ डाल दूंगा। अभी दोबारा पुलिस आती है, सिक्योरिटी वाले आते हैं, तो मुझे जो है उनके साथ जाना पड़ेगा, वो देखी जाएगी, जो भी होता है वो कोई मसला नहीं है। मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा, ना मैं कोई कंप्लेन कर रहा हूं, आप लोग मेरे भाई हो, ये मैं खुद संभाल लूंगा, लेकिन अब हमें एक रूल ऐड करना पड़ेगा इस चीज के अंदर कि मैं आपको अपनी सोसाइटी के अंदर मिल सकता हूं, फोटो लेंगे वीडियो देंगे, लेकिन ईदी आपको मेरी सोसाइटी से बाहर ही मिलेगी। प्लीज 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 आप लोगों ने माइंड नहीं करना, आप लोग खुद भी इतने समझदार हो, समझो कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। मुझे पता है यार कि लोगों की इंटेंशन मतलब वो नहीं है कि किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, वो तो अपने प्यार में आते हैं, तुमसे मोहब्बत करते हैं, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि लोग इतना दूर दूर से आ रहे हैं साथ। चलो नहीं कोई नहीं यार, भाई देखो मैंने रूल रख दिया एक, सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए मैंने रखा है। मैं आपको सोसाइटी के अंदर मिलता हूँ, फोटो होगी वीडियो होगी, ईदी आपको सोसाइटी से बाहर अगर आप मुझे पकड़ते हो तब होगी। मुझे पता है हमारी डक्की भाई आर्मी का हम बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छी बच्चियां हैं, लेकिन इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी आगे पीछे है मेरी, प्लीज तुम लोगों ने बात को माइंड नहीं करना, इसको सिर्फ तुम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। मैं खुद भी अगर ईदी अनाउंस किया, मैं चाहता हूँ कि यार ये छोटा मोटा जो शुगर है ये स्मूथली निकल जाए, ऐसे किसी के लिए प्रॉब्लम ना बने, ना आप लोगों के लिए ना सिक्योरिटी वालों के लिए। अब देखो गेट के बाहर अगर 100 बंदा आया था, 150 बंदा भी आया था, मैं दे देता, आई स्वेयर मैंने दे देता। मैं तो लोगों को, आपको तुम्हें पता है, मैं लोगों को लाइन में खड़ा कर रहा कि यार बच्चे एक जगह हो जाए, बड़े एक जगह हो जाए, फिर हम एक जगह से शुरू करते हैं, देते हैं, कोई भी नहीं रेडी था। रश के अंदर नहीं होता, 3-4-5 लड़के होते, 3-4-5 लड़कियां होती, हो जाता। नहीं देखे वैसे एक्साइटेड हो गए होंगे ना, खुश हो गए होंगे, उनका मोस्टली का था कि चलो शुगर लग रहा है, कोई शोर हो रहा है, वीडियो बन रही है, कोई बात नहीं, लव यू है, बस ही तुम लोगों ने इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है। अभी मैं फिलहाल यहाँ पे ब्लॉग को एंड करूँ, घर में कोई भी नहीं है, सिक्योरिटी वाले बार बार आ रहे हैं, अभी उनके साथ हेडक्वार्टर भी जाना है, वो तुम लोगों को मैं कल के ब्लॉग में बताऊंगा कोई इस तरह इशू होता है, लेकिन कोई मसला नहीं है, सारी हेडिंग मैं खुद ही लूंगा, आप लोग मेरे भाई हो, मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं कर रहा, लव यू, आप लोगों ने भी परेशान नहीं होना, बस सिर्फ मेरी इस कंडीशन को तुम लोगों ने मानना है जो मैंने तुम लोगों को बताई है। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की बेल ब्लॉगिंग को ज्वाइन कर लेना, मिलते हैं कल। ओ आफ्टर